जैसलमेर क्वारंटीन कैंप। ओ भाई ये क्या है, वीडियो ले। वो वाले फ्लाइट से उतर के हम लोग अभी एयर इंडिया के फ्लाइट पर शिफ्ट हो रहे हैं। अरे वाह, जहाँ मर्जी वहाँ बैठ सकते हैं। जैसे आप लोगों को पता है, करेंटली वी आर गोइंग थ्रू ए काइंड ऑफ पेंडेमिक, जो शायद ही हमने कभी सोचा था कि हमारी ऐसी भी हालत हो सकती है। मतलब ऑब्वियस ही बात है, हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमको हाथ मिलाने से पहले भी सोचना पड़ेगा। सो एज दिस पेंडेमिक आउटब्रेक इन ईरान, आई वॉज ट्रैवलिंग ओवर ईरान और मेरे आगे के प्लान्स तो वैसे भी ख़राब हो ही चुके थे। और धीरे धीरे मुझे ये समझ आने लगा था कि ऑफिशियली फ़्लाइट्स को शुरू होने में अभी काफ़ी टाइम लग सकता है। और उसके बाद आई वेंट टू आर इंडियन एम्बेसी इन ईरान, जो शायद आप भी करते अगर आप मेरी जगह होते, टेलिंग देम दैट प्लीज़ टेक मी बैक टू माई कंट्री बिकॉज एवरी फ्लाइट इज़ ईदर कैंसल्ड और नॉट ऑपरेटिंग विद इंडिया। सो इन दिस वीडियो आई विल शो यू एवरी प्रोसीजर आई हैव गॉन थ्रू टू गेट बैक टू आवर कंट्री ड्यूरिंग द वर्ल्ड वाइड पेंडेमिक। अभी हम लोग महान एयर ऑफिस के बाहर खड़े हुए गाइस। महान एयर यहाँ पे लोकल एयरलाइन है जिससे हम लोग कल फ्लाई करने वाले हैं दिल्ली। हम लोग को कल यहाँ से इवैक्यूएट किया जा रहा है। मैं हूँ और मेरे साथ काफ़ी और इंडियंस हैं जिनके साथ मैं जा रहा हूँ। अराउंड 10 दिन के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं पूरी स्टोरी बाद में बताऊँगा, बट अभी हमारी फ़्लाइट बुकिंग हो रही है। फ़्लाइट बुकिंग होती है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ अभी। फाइनली गाइस, हम लोग को एक टिकट मिल चुका है फ्रॉम तेहरान टू न्यू दिल्ली। अभी मैं हूँ मेरे हॉस्टल में और आज है तारीख 17 मार्च और हम लोग को फ्लाई करना है कल सुबह अराउंड 6:30 बजे के बीच में हमको फ़्लाई करना है फ्रॉम तेहरान टू न्यू दिल्ली। तो सबसे बड़ा डर जो था हम लोग का कि ईरान से कैसे निकलेंगे, उसका तो सोल्यूशन मिल चुका है अभी, बट अब दिल्ली जाके देखते हैं कि वहाँ कैसा प्रोसीजर है वगैरह, क्योंकि आई एम श्योर कि हम लोग ईरान से आ रहे हैं तो हमको क्वारंटीन में पक्का रखेंगे वो लोग। और अभी फ़िलहाल घर तो मैं जा नहीं सकता, अराउंड 14-15 दिन के बाद ही घर पे जाऊंगा ऐसा मेरे को बता रहे हैं लोग, बट कंफर्म नहीं है अभी, वो तो जाके ही पता चलेगा। तो वेलकम टू माय चैनल एवरीवन, माय नेम विष्णु और आप लोग देख रहे हो मेरा चैनल वंडरिंग मैनियक। ये वीडियो मैं अराउंड 10-12 दिन के बाद शूट कर रहा हूँ। टू बी ऑनेस्ट गाइस, लास्ट वीडियो बनाने तक भी मेरे दिमाग में यही प्लान था कि मैं यहाँ से डायरेक्टली मेरे कंट्री फ्लाई करने नहीं वाला, क्योंकि जैसे आप लोगों को पहले मैंने बताया था कि मेरा इस बार का प्लान था कि मैं यहाँ से ईरान से अजरबैजान जाऊँ, अजरबैजान से जॉर्जिया जाऊँ, और ये पूरा मेरे को जर्नी बाई लैंड कवर करना था। बट जब मैं अस्तारा गया और वहाँ पर मुझे पता चला कि बॉर्डर क्लोज्ड है, तो मेरे दिमाग में ये था कि शायद मैं 3-4 दिन और वेट कर लूँगा तो शायद उसके बाद खुल ही जाना चाहिए, ये मैंने दिमाग में सोचा था। बट जैसे मैंने यहाँ पे मैं तेहरान वापस आके मैंने वेट करना शुरू किया, मैंने देखा कि जो सिचुएशन है यहाँ पे वो ठीक हो ही नहीं रही, वो वर्स से वर्स ही हो रही है, ख़राब ही हो रही है सिचुएशन। और एक टाइम के बाद मैंने सोचा कि यार अब अजरबैजान जाके शायद कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अभी के माहौल में मेरे को लगता नहीं कि किसी को ट्रैवल करके जो रियल एक्सपीरियंसेस है वो मिलेंगे, क्योंकि सारे डरे हुए हैं गाइस अभी, और मैं किसी को रिकमेंड भी नहीं करूँगा कि ये टाइम पे कोई ट्रैवल करे। तो उसके बाद मेरे दिमाग में यही था कि हाँ ठीक है, अभी अगर मैं अजरबैजान नहीं जा रहा हूँ तो मैं शायद अभी मेरे कंट्री सेफली वापस चले जाऊँ और वहाँ पर 1-2 महीना वेट करने के बाद ही फिर मैं अगली जर्नी शुरू करूँगा। उसके बाद मेरे को थोड़े बहुत इंडियंस मिले यहाँ पे, और इंडियंस मिलने के बाद हम लोग रोज़ लगातार एम्बेसी जाते रहे यही पता करने के लिए कि कब हम लोग को यहाँ से निकाला जाएगा उनके थ्रू। और उसके बाद जो प्रोसेस था वो थोड़ा सा स्पीड हो गया, और स्पीड होने के बाद थोड़े दिनों पहले हम लोग का कोरोना टेस्ट, जो कोविड-19 का टेस्ट है, वो किया गया। और लकीली जो भी हमारे साथ जितने भी लोग ग्रुप में हैं, सारे लोगों का नेगेटिव प्रूफ आया कि हम लोग को कोरोना नहीं है, तो इसीलिए अभी हम लोग कल फ्लाई कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप लोगों को पॉजिटिव आएगा तो शायद आप लोग यहाँ से फ्लाई नहीं कर सकते। जो लोगों का नेगेटिव आ रहा है वो लोग को ही फ्लाई करने का मतलब अलाउ कर रहे हैं वो लोग। तो कल जो फ़्लाइट है गाइस वो एयरलाइन के थ्रू नहीं है, वो जो हमारी इंडियन एम्बेसी है उनके थ्रू ही उन्होंने अरेंज किया गया, क्योंकि ईरान से अभी कोई भी फ़्लाइट कोई भी कंट्री एक्सेप्ट नहीं कर रही अभी। तो गाइस अभी मैं आप लोगों को फिर रात में डायरेक्टली मिलता हूँ, आपको तो अभी 2 सेकंड में आ जाएगा, बट अभी मेरे को मेरी पैकिंग वगैरह करनी है, कुछ अगर ख़रीदना होगा मेरे को तो ख़रीद लूँगा मैं। अभी बज रहे हैं गाइस सुबह के 4 और अभी मैं हूँ इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कभी नहीं सोचा था कि जब मैंने ट्रिप शुरू किया था कि यही एयरपोर्ट से फिर से मैं फ़्लाई करूँगा, बट अभी मेरा जो सिक्योरिटी है वो कंप्लीट हुआ अभी, और इसके पहले कभी ऐसा सिक्योरिटी एक्सपीरियंस नहीं किया, सच्ची बता रहा हूँ। इतने सारे पेपर वर्क करवाए हम लोग को, जैसे आप लोगों को मैंने इसके पहले बताया था कि ये फ़्लाइट नॉर्मल जो एयरलाइंस है उसके थ्रू रेगुलेट नहीं कर रही है, ये एम्बेसी के थ्रू ही रेगुलेट कर रही है। तो बहुत सारे पेपर वर्क करवाए हम लोग को, मेडिकल सर्टिफिकेट जो हम लोग को एम्बेसी के थ्रू मिला उसके बिना तो आपको बोर्डिंग करने नहीं दे रहे,
वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। तो थोड़े लोग ऐसे भी आए थे कि उन्होंने महानेर से फ्लाइट टिकट करवा ली बट उनके पास मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं था तो उनको अभी बोर्ड करने नहीं दिया। अभी मैं मेरे गेट के पास ही वेट कर रहा हूँ गाइस, अभी अराउंड 4 o'clock हो रहे हैं, अभी 4:35 तक शायद वो गेट खोलेंगे। अभी मैं जो बाकी इंडियंस हैं उनका वेट कर रहा हूँ, वो लोग अभी अपना सिक्योरिटी में अपना मतलब करके अभी आएंगे तो उनसे फिर मिलाता हूँ मैं आपको। अभी सबसे बड़ी दिक्कत ये है गाइस कि अभी हमको पता नहीं है कि दिल्ली जाने के बाद हमको डायरेक्टली वो लोग घर के लिए छोड़ेंगे कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि अभी हम लोग को कंपलसरी क्वारंटीन करेंगे। क्वारंटीन मतलब एक काइंड ऑफ एक मतलब रेस्ट्रिक्टेड एरिया में रखेंगे हम लोग को, जहाँ पे हम लोग को अराउंड 14 से 15 days तक मॉनिटर करेंगे कि हाँ हम लोग को COVID-19 है कि नहीं, और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल नहीं होता है तो फिर उसके बाद फिर 15 दिन के बाद छोड़ेंगे। तो अभी पता नहीं, अभी दिल्ली जाने के बाद ही पता चलेगा कि कौन से सेंटर में डालने वाले हैं। जैसलमेर एक सेंटर है जहाँ पे इसके पहले के बैचेस वालों को रखा गया था, और एक गाज़ियाबाद की तरफ कुछ है बट अभी पता नहीं है, वो अभी दिल्ली जाके पता चलेगा। तो गाइस अभी बज रहे हैं 5:30 सुबह के, और अभी हम लोग की जो गेट था, मैं गेट की बात कर रहा था, वो खुल चुका है अभी, और मेरे साथ है केवान भाई। अभी हम लोग कौन सी जगह पे रहने वाले हैं दिल्ली में जाने के बाद, कुछ आइडिया है? कुछ आइडिया नहीं है बट आकाश भाई से जो बात हुआ मेरी मदर को, उन्होंने शायद बात किया था जैसलमेर के लिए बोल रहे थे। अच्छा। आई डोंट नो, उन्होंने बोला वहाँ जाके क्वारंटाइन 14 days के लिए जो रखने वाले हैं वो शायद जैसलमेर में लेके जाएंगे। अच्छा, बट श्योर, बट कुछ कन्फर्म नहीं है। अभी हम लोग दिल्ली लैंड किए, अभी हम लोग न्यू दिल्ली, और अभी हम लोग को यहाँ से अभी निकलने नहीं दे रहे, एयरपोर्ट से बिठा के रखे हैं। अभी पता नहीं अभी क्या होगा, 20 मिनट से बैठे हम लोग, 20 मिनट से ऊपर हो गया, अभी देखते हैं क्या होता है, आधा घंटा हो गया, अभी पता नहीं क्या होने वाला है। फाइनली आफ्टर 20 मिनट देखने के बाद अभी सबको अलाउ कर रहे हैं अभी कि बाहर निकलो साहब। ओ भाई ये क्या है, ओ भाई, अरे भाई यार क्या क्या ट्रीटमेंट है भाई, भाई हियर यू कैन सी एवरीथिंग इज अरेंज इन द रनवे। तो बेसिकली हमको एक अजीब सी जगह पे लैंड करवाया गया, और ज़िंदगी में पहली बार सिक्योरिटी रनवे पे ही हुआ, एंड दे ऑल हैड आवर नेम्स ऑलरेडी विच वॉज क्वाइट इम्प्रेसिव। कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है इंडिया वापस आ गया? अरे बहुत अच्छा लग रहा है भाई, जान छुट्टी ऐसा लग रहा है। जैसलमेर माय होम टाउन से गाजियाबाद। ये गाइस आप लोग यहाँ का अरेंजमेंट देखो गाइस, हम लोग एयरपोर्ट के अंदर तक लेके नहीं जा रहे अभी,
यहीं से बाहर हम लोग को अभी जैसलमेर लेके जा रहे हैं क्वारंटीन, जो मैंने इसके पहले बात किया था मैं, हम लोग को मतलब अभी एयर इंडिया का टिकट दिया है अभी यहाँ पे, और यहाँ से हम लोग को दिल्ली से ही अभी मतलब जैसलमेर मतलब लेके जा रहे हैं थ्रू फ्लाइट। तो आप लोग अरेंजमेंट देखो बस यहाँ पे, आप लोग मतलब नॉट अलाउड, वो वाले फ्लाइट से उतर के हम लोग अभी एयर इंडिया के फ्लाइट में शिफ्ट हो रहे हैं। हम लोग को एयरपोर्ट के अंदर घुसने तक नहीं दिया, यहीं से हम लोग को फिर दूसरे फ्लाइट में शिफ्ट करके अभी यहाँ से जैसलमेर लेके जा रहे हैं। बहुत बहुत तगड़ा अरेंजमेंट किया है गाइस, बहुत तगड़ा अरेंजमेंट किया है। सर यू कैन सीट ऑन द सीट सर, कैन लीव 3 रोज एंड देन मैनेज। ओके ओके ओके, अरे वाह, जहां मर्जी वहां बैठ सकते हैं। एंड टू विंडोज ऑफ द विंग्स, दे आर क्लियरली आइडेंटिफाइड बाय एग्जिट साइंस, प्लीज मेक अ नोट ऑफ द वन क्लोजर टू यू। इन एन इमरजेंसी एग्जिट पार्ट लाइटिंग विल इल्यूमिनेटेड रेड। वेलकम टू जैसलमेर क्वारंटीन कैंप। गाइस फाइनली हम लोग यहाँ पे क्वारंटीन सेंटर में आ चुके हैं जैसलमेर में। जो मैंने लास्ट क्लिप दिखाया था आप लोगों को वो शाम का था, उसके बाद बहुत ही ख़राब हो गई थी हालत हमारी, क्योंकि दो फ्लाइट लेके आए थे ईरान से दिल्ली, फिर दिल्ली से डायरेक्ट जैसलमेर, मतलब कंटिन्यूसली मतलब अराउंड 5-6 घंटे तक कंटिन्यूस हम लोग फ्लाइट में स्पेंड किया टाइम। तो उसके बाद मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, और उसके बाद फिर डायरेक्ट हम लोग को यहाँ पे लेके आ गए। अराउंड एयरपोर्ट से 15-20 किलोमीटर के बीच में है, पूरा ही आइसोलेटेड एरिया है, दूर दूर तक आपको कुछ नहीं मिलेगा, एक इंसान देखने को नहीं मिलेगा, ऐसी जगह पे रखा है हम लोग को अभी। तो ये है एरिया, आप दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे सारे लोग जो बाहर कंट्री से आ रहे हैं, स्पेशली ईरान, इटली और चाइना, वो लोग को सारे लोग को अभी यहाँ पे अभी रख रहे हैं लोग, मतलब यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पे रख रही है, यहाँ पे खाना वगैरह सब कुछ अरेंजमेंट है हम लोग के लिए, और बहुत ही बढ़िया अरेंजमेंट है गाइस, सच्ची बता रहा हूँ। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा होगा हम लोग के लिए सब कुछ। हम लोग जैसे ही दिल्ली में हम लोग लैंड किया, हम लोग को एयरपोर्ट के अंदर तक जाने नहीं दिया, वहीं से बाहर से ही हम लोग को मतलब एयर इंडिया का फ्लाइट से हम लोग को वहीं से फिर हम लोग को जैसलमेर लेके आ गए। तो सब कुछ जो अरेंजमेंट था वो स्पेशली हम लोग के लिए ही किया था, तो बहुत सारा मेहनत किया है गवर्नमेंट ने, और इसकी शायद क्रेडिट उनको मिलनी चाहिए, लिटरली बता रहा हूँ। तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, कमेंट करना अपने व्यूज़ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और शेयर करना। टिल देन आई विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन खुश रहो, अपने आसपास के लोगों को खुश करो, एंड बाय बाय।